नमस्कार, मैं देवीराज प्रसाद चौधरी, पेशे से एक मूर्तिकार। एक माटी की कीमत मूर्तिकार से बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन एक हैं जो ये जानते हैं, और वो हैं क्रांतिकारी। आपने सात सपूतों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने पटना के सचिवालय भवन पे भारत देश का तिरंगा लहराया और देश के लिए कुर्बान हो गए। उनमें से एक उमाकांत सिंह, राम भवन राय सेमिनरी स्कूल के इंटर का स्टूडेंट। सभी को अंदर भेजो, बाहर का चल रहा है ये तो आप सबको पता ही होगा। अंग्रेजन का जुलूम बहुत बढ़ रहा, अब समय आ गया है कि हम पूरे जोश के साथ ये आंदोलन में शामिल हो। कैसे कि गांधी बाबा कह गए, करो या मरो। जिनको डर लग रहा रुको, 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 ये बीच में कहां तू टपक रहा है, करो या मरो। और हाँ, जिनको डर लग रहा है वो अब यहाँ से चले जाए। काहे से कि आदमी डरे भी और आंदोलन भी करे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता दोनों एक साथ। तो तय रहा, परसों हम सचिवालय भवन पे भारत देश का तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब दूसरे सपूत राजेंद्र प्रसाद, पटना के हाई स्कूल के इंटर का स्टूडेंट। अम्मा हमरा झोला लाओ, अम्मा हमरा झोला लाओ। अम्मा हम पटना जा रहे हैं, अम्मा अंग्रेजन का अत्याचार बहुत बढ़ गया। अम्मा कल की ही बात है, पूरा परिवार को जिंदा जला के रख कर दिया गया। अम्मा बहुत अत्याचार बढ़ गया। अम्मा जो होना था तो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो हम होने नहीं देंगे। अम्मा हम जा रहे हैं पटना, आंदोलन करेंगे। हाँ आंदोलन करेंगे। प्रणाम बाबूजी को, हमारा प्रणाम कहना। आप तीसरे सपूत रामानंद सिंह, हमारी पत्नी का चिट्ठी। मैं यहाँ सर मंगल, मैं सोच भी रहा हूँ कि आप वहाँ के कुशल होंगे। आपके बिना एक जिंदगी विराम जैसा लगता है। आपकी प्रिय पत्नी। इसी प्रकार सातों सपूत चले जाते हैं अपना घर परिवार छोड़कर देश को आजाद कराने, और आखिरी बार चाय की टपरी पे मिलते हैं। अरे सुनो, तुम सबको तो पता चल ही गया होगा ना। पता चला है जेपी बाबू जेल कूद के भाग गए। मानना पड़ेगा जेपी बाबू को, मेरे पास के सहारे जेल के सबसे ऊंचे दीवार फान के भाग गए हैं। ये भी कहो, अंग्रेजों का हवा टाइट हो गया। अरे कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। हमको तो यहाँ तक पता चला है कि गांव में से अंग्रेजों के कई सारे फौजन को खदेड़ खदेड़ के मारा। अब समय आ गया है कि हम ये आंदोलन में शामिल हों। लेकिन अभी भी राजेंद्र प्रसाद जी बाकीपुर जेल में बंद हैं, और जगबाबे जी अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अब अंग्रेजन बेबस और लाचार हो गया है। अभी ही यही अच्छा मौका है, हमें एकजुट होकर सचिवालय भवन पे अपना तिरंगा लहराना होगा। अभी भी सचिवालय भवन पे वो अंग्रेजन का तिरंगा लहराना है। मगर कोई बात नहीं, झंडा उठा के फेंक दिया जाएगा। पर ये हम साथों से नहीं होगा, हमें स्कूल और कॉलेज से रैली निकालना होगा, और सब बाकीपुर ग्राउंड में 12 से 1 बजे मिलेंगे। वहाँ एकजुट होते ही हम अंग्रेजन के हमला बोल देंगे, और अपने भारत देश का झंडा सचिवालय भवन पे लहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी प्रकार चले जाते हैं, और उसमें से 5 सपूत शहीद हो जाते हैं। बचे 2 सपूत उमाकांत सिंह और सत्यजीत झा। साथियों, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने प्रतिज्ञा को पूरा करें। काहे से कि अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। चलिए चलते हैं। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय।
बहुत बहुत।